अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज ही मैं सहरी के टाइम वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं दही जमाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इजीली घर पे दही जमा सकते हैं। सबसे पहले मैंने मिट्टी का एक कुंडा ले लिया है, ठीक है। इसके बाद अच्छा मैंने दूध ले लिया, उसके बाद 1 किलो, ठीक है। इसको मैंने पहले से बॉयल किया हुआ था, अब इसको हमने लाइट सा गर्म करना है, नीम गर्म। तो क्योंकि मैंने पहले ही बॉयल किया वह, आप भी पहले बॉयल कर ले, ठीक है। उसके बाद बाकी स्टेप बताती हूँ। ये देखें दूध मैंने इसको कुंडे के अंदर डाल लिया है। उसके बाद हमने नीम गर्म दूध है, इसको जितना फेंटेंगे उतनी अच्छी दही जमेगी, गाढ़ी और मलाई भी उतनी ज़्यादा आएगी, और ये घर का दही बिल्कुल मीठा होगा, साफ सुथरा दही होगा। इसको इस तरह फेंटें तकरीबन 5 मिनट। अब जाग लगाने के लिए दही ले लिया है मैंने, ये वाले 2 चम्मच, ठीक है, दही ले लिया है। अब इसके अंदर हमने यही वाले 2 चम्मच पानी डालना है और फिर इसको मिक्स करना है, फिर जाग लगाना है। ये देखें इतना हमने इसको गर्म रखना है कि देखें ये फिंगर हमारी डिप हो जाए इजीली, तो ये गर्म ना हो जाता। बस इतना हमें नीम गर्म चाहिए दूध। ये इसके अच्छे तरीके से झाग ऊपर आ चुके हैं। अब 2 चम्मच दही हमने इसके अंदर पानी डाल के इसको ऐसे ऐसे साइड्स पे डालना है, दोनों साइड्स पे। फिर उसके बाद इसको ऐसे ऐसे हमने लाइट लाइट सा मिक्स करना है। बस ये हमारा जाग लग चुका है, अब हमने इसको रख देना है। उसके बाद फिर आपने इसको ओवन में रख लें, माइक्रोवेव में या किसी भी जगह पे आप रख लें, लेकिन इसको तौलिए से अच्छे तरीके से कवर करके, ढक्कन ढक के इसको कवर करके रख दें आप। 7 से तकरीबन 8 घंटे में ये दही हमारा अच्छे तरीके से जम जाएगा और ये बिल्कुल गाढ़ा सा दही जमेगा। तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी 7 से 8 घंटे बाद। ये देखें व्यूअर्स, इसको 7 घंटे हो गए हैं, दही को मैंने ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में, इस वाले में मैंने रख दिया हुआ था। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल है, जम तो गई होगी आई होप। ये देखें ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा थिक और गाढ़ा दही जमा है, आप देख सकते हैं मलाई इसके ऊपर इतनी ज़्यादा आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं आपको थोड़ी सी निकाल के दिखाती हूँ ये कितनी गाढ़ी और कितनी मज़े की दही जमी। ये देखें ये होममेड दही, ये इतना मज़े का इतना थिक जमा है और बिल्कुल मीठा दही होगा ये। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जो हमारा दही है ये मैंने बिल्कुल अपनी अम्मी की रेसिपी से बनाया है। तो कई बार ऐसा होता है इंसान को कुछ नहीं आता होता, तो जो अम्मियाँ होती हैं ना वो सब कुछ सिखा देती हैं। तो ये दही मेरी अम्मी की रेसिपी से मैंने बनाया है, तो इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।